प्रदेश भर में आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के ध्याय के साथ राजस्थान सरकार की ओर से प्रदेश भर में खाद्य पदार्थों की जांच के लिए MFTL के तहत चलित खाद्य प्रयोगशालाएं उपलब्ध करवाई जा रही है। इसी कड़ी में नवसृजित ब्यावर जिले को भी शुक्रवार को चलित खाद्य प्रयोगशाला प्राप्त हुई। प्रयोगशाला के ब्यावर पहुँचने पर मोबाइल फूड लैब प्रभारी केसरी नंदन शर्मा ने उसका स्वागत किया। मोबाइल फूड लैब के ब्यावर आगमन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सूरज मीणा द्वारा अवलोकन किया गया था। इस दौरान CMHO मीणा ने संक्षिप्त में एक साथ ही आगामी 7 दिन का रूट चार्ट बनाकर ब्यावर शहर में प्रचार प्रसार हेतु निर्देश दिए। प्रभारी केसरी नंदन शर्मा ने बताया कि मोबाइल फूड लैब के माध्यम से प्रतिदिन उपयोग में आने वाले खाद्य पदार्थ यथा दूध घी तेल मसाले आदि को स्पॉट टेस्ट विधि द्वारा जाँच की सकेगी। मोबाइल फूड लैब के ब्यावर आगमन के दौरान CMHO कार्यालय से फार्मासिस्ट श्रवण कुमार चौहान, घनश्याम प्रजापति, हिमांशु सिंहारथा, सुभान अली तथा गोपाल सिंह आदि उपस्थित रहे। राजस्थान सरकार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने 25 FSW फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स अभी 3 अगस्त को उनका ध्वजारोहण करके झंडी दिखाकर रवाना करवाई थी। उनमें से एक राजसमंद और ब्यावर के लिए मिश्रित रूप से एक FSW है जो आज अपने ब्यावर जिले में आई है। इसमें इस फूड सेफ्टी वैन में ऑन स्पॉट टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है, जिसमें दूध की मिल्को स्क्रीन सिस्टम है, उसके अलावा तेल के लिए TPC मीटर है, तो इसी प्रकार मसालों के लिए स्पॉट टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। ये FSW अवेयरनेस पहचान IC मटेरियल रहेगा इसमें, जो व्यापारियों को और जो आम जन है उनको शुद्ध भोजन के लिए किस तरीके से क्या सावधानी रखनी चाहिए वो सब बताया जाएगा इसमें।